वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। ठीक है, आज मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा। घनमूल निकालने की एक मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे अगर किसी घन का अंतिम अंक एक है तो उसका घनमूल का भी अंतिम अंक क्या होगा? एक। इसी तरह से कुछ संख्या है जिनका घन वही रहता है जो घनमूल की आखिरी संख्या होती है। जैसे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक चार है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी चार होगा। ठीक है, इसी तरह से छह के साथ होता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक छह है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक भी क्या होता है? छह। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक नौ है तो उसका जो घनमूल होगा उसका भी अंतिम अंक नौ होगा। और एक और संख्या होती है पांच। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक पांच है तो उसका घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा? पांच। अब कुछ चीजें और होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, जैसे कि दो। यदि किसी संख्या का घन घन है और उसका घन का अंतिम अंक दो है तो उसके घनमूल का अंतिम अंक आठ होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जैसे आठ है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक आठ है तो उसका घनमूल जो होगा उसका अंतिम अंक दो होगा। इसी तरह से तीनों साथ में चलते हैं। यदि किसी घन का अंतिम अंक तीन है तो उसका घनमूल का अंतिम अंक होगा सात। और अगर किसी घन का अंतिम अंक सात है तो उसका जो घनमूल बनेगा उसका अंतिम अंक जो होगा वो तीन होगा। ये सब समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन सब चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे एक संख्या है कोई सी, जैसे एक संख्या ले लीजिए 42875। क्या लिखा है? 42875। तो देखिए ये एक घन होगा। ठीक है, तो इसका आखिरी अंक क्या है? पांच। तो इसका जो घनमूल बनेगा उसका आखिरी अंक क्या होगा? पांच होगा। अब अपन को चेक कैसे करना है किस संख्या का होगा? तो देखिए घन है तो इसमें क्या करेंगे, आखिरी के तीन अंक छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी कितने बचे? दो अंक। अब आपको देखना है कि 42 के आसपास कौन सा घन होता है। तो देखिए तीन का घन कितना होता है? 27। और चार का कितना होता है? 64। तो 64 से एक कम है, 27 से ज्यादा है, तो इधर क्या आ जाएगा? तीन। ठीक है, तो एक इस संख्या का घनमूल हो गया 35 का, मतलब 35 का एक घन हो गया। और 42875 का घनमूल क्या होगा? 35। समझ में आया? इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा 10 38 23। ठीक है, यह एक संख्या है, इसका आखिरी अंक क्या है? तीन है। समझ में आ रहा है? तो इसका जो घनमूल होगा उसका आखिरी अंक क्या होगा? सात होगा। अब आपको क्या करना है, तीन संख्याएं छोड़ दी नहीं, बाकी की तीन ले लो। 103 किसके करीब है? देखो पांच का कितना होता है? 125, जो कि ज्यादा है। और चार का होता है 64, तो इधर क्या जाएगा? चार। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये कितने का हो जाएगा? 47 का घन हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, ये संख्या क्या है? 75 35 71। तो लास्ट में वन है तो इसका जो घनमूल होगा उसका भी आखिरी अंक क्या होगा? वन होगा। अब अपन को कितने अंक छोड़ना है? तीन अंक। कॉमा लगा दिया करें तीन अंक के बाद। अब बाकी कितने बचे? 753। तो आप ये देखो कि 753 किसके पास है? देखो ये कितना है? 729। तो 729 से ज्यादा है, और 10 का कितना होता है? 1000। तो 753 जो है किसमें आ जाएगा? इसमें 729 से ज्यादा है, इसलिए कितना आ जाएगा? ये 9। 10 आ नहीं सकता क्योंकि इधर 1000 से ज्यादा हो सकती संख्या, तो 10000। 91 का घन कितना हो जाएगा? 75 35 71। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ उदाहरण और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे इसका एक घन है, एक परफेक्ट घन है। ठीक है, इसका आखिरी अंक सात है, तो जो इसका घनमूल बनेगा उसका आखिरी अंक क्या होगा? तीन होगा। अब आपको तीन अंकों को छोड़ देना है, बाकी कितने बचे? 148। तो पांच का घन कितना होता है? 125। छह का होता है 216, तो इधर कितना आएगा? पांच। तो एक इसका घन बन जाएगा 53 का। ठीक है, इसी तरह छह है, तो देखो आपको पता ही है अगर छह होगा तो उसका आखिरी अंक जो घनमूल बनेगा उसका आखिरी अंक क्या होगा? छह होगा। अब बाकी के तीन अंक छोड़ दीजिए तो कितना बचा? 46। तो देखो चार का तो होता है 64, 64 ज्यादा हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा? तो ये 36 का क्यूब है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये तीन है तो तीन का अपोजिट क्या होता है? सात। यानी इसका जो घनमूल होगा उसका आखिरी अंक क्या होगा? सात होगा। तीन अंकों को अपन छोड़ देंगे, बाकी कितने बचे? 103। तो 103 देखो पांच का होता है 125 और अपन को चार का होता है 64, तो इसके बीच में इसलिए क्या लेंगे? चार। तो एक इसका हो जाएगा 47 का।
एक और देख लेते हैं, लास्ट में कितना है 9, तो इसका आखिरी अंक 9 है, तो इसका घनमूल का भी आखिरी अंक क्या होगा 9, और बाकी कितना बचा 3 अंक को छोड़ देंगे 24 बचा, 3 का कितना होता है घन 27, तो 27 से कम है तो क्या आएगा इधर 2, तो ये 29 का क्या हो जाएगा घन। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी संख्या का घन या घनमूल निकाल सकते हैं, मतलब घन तो अगर पता है अपन को, किसी भी परफेक्ट घन का घनमूल कैसे निकालना है उसके लिए ये मेथड है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।